वैसे घने नहीं है, नहीं है ना? हाँ पहले से तो बेटर है, तो मेरे को भी लग रहा है कि पहले से तो, मतलब इसमें छुपाने वाली बात नहीं, पहले से तो सही लग रहा है कि पहले से तो काफी बदल गया। तो स्क्रीन शेयर कर दिया, बताइए आप मुझे। नहीं किया, नहीं किया, कर रहा हूँ मैं, वहां पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे किया ही नहीं, कर दिया। तो मैं ये बोल रहा था ना कि कोहरेंट पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब यही है कि फेज डिफरेंस इसका कांस्टेंट रहेगा, है ना? बिल्कुल सही है, मतलब फेज डिफरेंस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, राइट? ये बात सही बोला आपने कि अगर देखो कोहरेंट सोर्स का मतलब है कि सोर्स एक ही होना चाहिए, अब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि सेम फ्रीक्वेंसी। या वेरी गुड, विथ अ स्टेबल फेज डिफरेंस, विथ अ स्टेबल का मतलब हो जाएगा फिर दो पार्ट में टूटेंगे, जीरो फेज डिफरेंस या कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, है ना? कॉन्स्टेंट फील्ड, हाँ बिल्कुल। और इनकोहेरेंट सोर्स में क्या बोलेंगे सर? देखो इनकोहेरेंट सोर्स इन विच लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ये बोल सकते हैं, और फेज डिफरेंस बिटवीन देम देम चेंजेज कंटिन्यूअसली। फेज डिफरेंस जो है बिटवीन द वेव्स चेंजेस, है ना जी? और जैसे क्या है इसमें, ये था कि अब इसके एक अच्छे फॉर्मूले निकाल लें, जैसे मान लो कि एक ये फॉर्मूला है कि आई विल बी इक्वल टू आई नॉट और प्लस आई नॉट आई टू, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, सिंस द रे ऑफ लाइट और जो भी है आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि तब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा, आई विल बी इक्वल टू आई वन आई टू, और दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पे फिर आई निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको भी आई करो, इसको तोड़ो,
टू आई कॉमा ले लो, अब इसका फॉर्मूला लगा लो, फोर आई कॉस स्क्वायर 5/2। इस पे आपके भी पीछे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, 1 सेकंड के लिए। ये मतलब कि वो दिया हुआ है कि जब भी अगर लाइट वगैरह फॉल करता है तो उस केस में लाइट कैसे फॉल कराएगा, अगर दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम है तो उस केस में रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या होगा, हम रिजल्टेंट वेव को कैसे देखेंगे। कोहेरेंट सोर्स होगी। आगे जरा जैसे मान लो एक और करते हैं, देखो सर कि एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, पता है क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर द लाइट विच हैव द सिंगल फ्रीक्वेंसी, है ना, या सिंगल ऐसा बोलो ना, सिंगल वेवलेंथ। हाँ, जैसे कि लाइट आ रहा ना ऐसे, तो टू सोर्सेस ठीक है, हाँ अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जब पाथ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट नॉट बी लार्ज। जैसे
path difference. ठीक है, आगे चला। अब ये बना लो, ठीक हो गया। तो वो अभी बोलो कि व्हेन आई वन विल बी इक्वल टू आई टू विल बी इक्वल टू आई नॉट, सो वी विल गेट ये आगे। और याद रखिएगा ये जो एम्पलीट्यूड जो हम मेजर करेंगे आर इन मीटर, एम्पलीट्यूड हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करके आ जाओ। ठीक है, आगे चले। इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अगला वाला 9 वाला देखिए एक बार। नहीं ए, ए, इस इसका 8 का और भी तो है। एक सेकंड, आपने 8 के 7 के 9 9 9 के, इन्होंने 9 दो दो बार लिखा हुआ है। 9 दो दो बार कैसे लिख दिया है ना? लेकिन वो बाय द वे 10 10 होगा वो। हाँ 10 होगा, 10 kg, 9 kg का। नहीं अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक। अगला चला,
बिल्कुल सही बात है। तो सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कितना है हमारे पास? ये वाला हो गया ना। एक सर इसका एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसके बाद सर लास्ट क्वेश्चन इसी का कि मैं देखता हूँ। नहीं, 12 वाले में क्या है, देखो 12 वाले में और जो 10 था जो हम लोगों ने करेक्शन किया, इसको मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डिफरेंस है। देखो अगर गौर से देखोगे तो दोनों में जो है, दोनों में उसने सेंट्रल का ही पूछा है, लेकिन उसमें पूछा है कि आपको पता है जो हम फॉर्मूला निकालते हैं उस फॉर्मूले में जो 4 I0 होता है, इस सेंट्रल जो है ना मैक्सिमा की इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल दिया कि सेंट्रल इंटेंसिटी जो है 4 I0 तो हम लिखते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं आपको 4 I0 नहीं लेना है, हमें बस I0 ही लेना है। और ये CBSE में क्वेश्चन आया भी है, जब आया होगा तो बहुत लोगों का हालत खराब हो गया होगा, क्योंकि सबने यहाँ पे लिटरली 4 लिख के किया होगा और उन सबका गलत आंसर होगा, क्योंकि उसने बोला है कि सेंट्रल वाला जो इंटेंसिटी है 4 I0 नहीं है, वो I0 है। तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, I0 क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 5/2 बनेगा, ना कि 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2 बनेगा। नहीं, 10 वाले में बिल्कुल सही है कि 10 वाले में उसने सेंट्रल मैक्सिमा का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो हाँ, जब तक वो ना बोले तब तक तो हमें बिल्कुल जैसे आपने किया वैसे ही करना है, और 10th आपने बिल्कुल सही किया, बस ऐसे ही करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 12 में जब शिफ्ट हो जाएंगे, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मतलब क्वेश्चन है सेकंड बुक का, SL का, और ये आते भी हैं, तो उस केस में क्या है, आप गौर से देखोगे तो उसने बोला है कि द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। दिस मीन्स दे हैव इनफैक्ट इंडिकेटेड दैट यू डू नॉट हैव टू टेक द 4 I0, एट द प्लेस ऑफ 4 I0 यू वी हैव टू टेक I0। सो नाउ द फॉर्मूला विल बी गोइंग टू बी इन दिस वे, एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी फॉर एनी पार्टिकुलर फेज। आई होप इट्स ऑल राइट, यू आर एग्री ना? हाँ, हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमने निकाला है I1 I2 प्लस 2 रूट
टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखेंगे ऐसे ऐसे टू आई आई नॉट प्लस टू आई नॉट कॉस फाइव, और यहाँ पे करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी आया। तो ये फोर आई नोट था, लेकिन ये जो था अब इसी को बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम जो होगा उस केस में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब हम टोटल जो फेज डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो मैक्सिमम फोर आई नोट। अब फोर आई नोट मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो ये कहाँ पे होगा, सेंट्रल मैक्सिमा पे होगा। कॉपी कर लीजिए आराम से, अच्छा। आगे चला, एसी का कटिंग कीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल है वाला। देखो ऐसे भी कर लो ना, दो टू पाई का मतलब लंबडा लैम्डा बाई फोर चाहिए, दोनों साइड फोर से डिवाइड कर दो तो पाई बाई टू 90 डिग्री। बिल्कुल आगे चला, आगे एक प्रॉब्लम नंबर तो दे रखा है ना, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस थर्ड कर लो जो आईआईटी में आया हुआ।
ठीक है। हम्म, नहीं बात डिफरेंट। डिफरेंस रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस फिर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन लिखा दोस्त। उस रिलेशन लिख लो फेज डिफरेंस में, पाथ डिफरेंस में। पाथ डिफरेंस होता क्या है? फेज डिफरेंस हम्म, और हम्म, ठीक है, ठीक ठीक है, आगे चला। ये बहुत चल रहा, अच्छी चीज है। देखो आ जाओ, ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऐसे हमारा स्क्रीन है। तो क्या होता है, सोर्स ऐसे से जाएगा,
देखो ये S1 है, S2 है, दोनों कंबाइंड होंगे। आप क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इसको लेंगे डी बाई डी, इसको लेंगे यहाँ से लो ज्वाइन कर लो, ये डी बाई टू, एक्स यहाँ से पूरा डिस्टेंस, एक्स प्लस टी बाई टू। देखिए देखिए डी एक्स माइनस डी बाई टू, तो दो ट्रायंगल बनाओ अलग अलग, इसको बोलते हैं डी, इसको एक्स प्लस डी बाई टू, एक्स माइनस डी बाई टू, तो अब दोनों इनका डिफरेंस निकालो, सो पाथ डिफरेंस विल बी एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर, जो वैल्यू पुट करो, डी प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर करो, एक्स माइनस टी बाई टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। जल्दी करो। हो गया, अब
नहीं गलत है, टू एक्सेड नहीं आ रहा है। मतलब पांच डिफरेंस से पूछा मैंने, बस मैंने ये पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी आई। हाँ तो यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रखे हैं, हमने क्या अज्यूम कर रखा है, क्या गलत चीज कर रखी है हमने, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इसको, मतलब क्या क्या हम एजम्पशन लेते हैं ना, वो बड़ा सीखने वाली चीज है। इसको ऐसे लिख सकते हो है ना, अब इसको दोनों बराबर कर देंगे हम, टू एक्स डी बाई डी टू डी, एक्स डी इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, कर रहे हैं। एक सेकंड, ये आ गया। अब इसको आपको याद रख लेना, कोई डाउट नहीं है ना। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो ये होता है कि एक तो अब हम लोग डिस्कस किया था ना हम लोगों ने कि उस कॉस फाई की वैल्यू वन लाने के लिए कब होता है, फाई जब मल्टीपल ऑफ टू एन पाई का, व्हेन वी गेट अ टू एन पाई, टू एन पाई का मिलता है तब तो हम करते थे ये वाला ऐसा कुछ काम दाम। देखो जैसे ये वाला हो गया, ये वाला तो ये करते हैं, फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फॉर द ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू ऐसे कर देंगे एन लैम्डा। देखो सो वी हैव एक्स डी बाई डी एन लैम्डा, सो एक्सेंथ विल बी इक्वल टू एल लैम्डा डी बाई डी, दिस इज द पोजिशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। डाउट है, इसको बोलते हैं पोजिशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अगर आप पोजिशन ऑफ द डार्क फ्रिंज निकालना हो फॉर कैलकुलेटिंग द पोजिशंस ऑफ द डार्क फ्रिंज तो इसको ऐसा करेंगे, एक्स डी बाई डी टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, एक्स विल बी इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी टू डी। ये जो है दिस इज द पोजिशंस ऑफ द डार्क फ्रिंज। ये डार्क फ्रिंज तो हमने देखा, डिस्कस किया कि पोजीशंस फॉर ब्राइट, पोजीशन फॉर डार्क निकालिए।
अब हम करेंगे, देखो फ्रिंज विड्थ, एक मैं स्क्रीन बनाता हूँ, स्क्रीन पे देखो पहले, हटा दो इसको। बिल्कुल सही बात, वही लिखा। देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट एज वेल एज डार्क, नहीं देखो पहले बात तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है। देखो फ्रिंज विड्थ जो होता है एक सेपरेशन है, देखो कैसे बोलते हैं, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। मतलब मान लो कि स्क्रीन है ये वाला, तो इस स्क्रीन पे जो भी हम सेपरेशन करते हैं ऐसे ऐसे डार्क 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 ये वाला, तो ये जो पोजीशन जो होगा बिटवीन ब्राइट 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 विल गिव यू फ्रिंज विड्थ डार्क डार्क होगा डार्क फ्रिंज, इसको बोलेंगे डार्क, इसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। जैसे क्या होता है ये वाला ही हो गया। तब होता क्या, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा वैल्यू आ गया, हम लिख रहे हैं कि विड्थ, किसका विड्थ, विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज। जैसे देखो एन डी लैम्डा बाई डी एन माइनस वन डी लैम्डा बाई डी विल बी इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी
इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। आगे देखो, ये समझ आ गया आपको। और अच्छी चीज क्या है ना, एक अच्छी चीज और सिखाता हूँ आपको मैं। देखो, अगर आप ब्राइट का निकाल रहे हो ना, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर ब्राइट, तो क्या होगा पता है? अगर हम ब्राइट का निकाल रहे हैं तो डार्क डार्क का लेते हैं, राइट? बहुत बढ़िया। और बस पोजीशन वही है कि एक्स एन माइनस वन, राइट? आगे चलें। और क्या होता था ये पता चला? क्या है ये? क्या है, क्या है? हाँ, तो सही है। हाँ, हो गया ये? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। सही कर रखा है आपने।
तो पहले तो सब कुछ लिखो, क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, लिस्ट तो निकाल दो। पैसे तो आपको बेटा का वैल्यू डालना ही पड़ेगा। होता है। सही है। इसके अगले करें, आप कर लो 19 करो। इसमें क्या है ना कि जो वेवलेंथ जो है ना चेंज कर रहता है न्यू टाइम से, तो इसमें हाँ सही हाँ। हाँ 20 कर लो इसके बाद वाला।
तीनों करते हैं 21, 22, क्योंकि इसके आपको पता है इसके चैप्टर बड़े टफ होते हैं थोड़े से।